अंकिता जी बहुत बड़ी राइटर लेकिन आगे करेंगे बहुत गाना शुरू कर एकदम बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से डीएसी म्यूजिक के लिए और आप सभी को स्पेशली बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि हम सभी फिल्म इंडस्ट्री में हैं और हम सभी इसका एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और सुनील सर हमारे बीच में मौजूद है तो अब मैं आपके लिए कहना चाहूंगी हमारी निगाहों से निगाहें मत मिलाइएगा हमारी निगाहों से निगाहें मत मिलाइएगा वरना आपकी निगाहों के भी पैमाने हो जाएंगे। और जिस दिन पिला दी एक सेकंड जिस दिन पिला दी हमने निगाहों से जाम खुदा कसम आपके दीवाने हो जाएंगे। आपको बिहार और गुजरात जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बार और वाइन नहीं मिलती निगाहों से मिलाने वाली कमी है वहाँ पर। बिल्कुल मैं वही से हूँ सर। बिहार एक बिहारी सब पे भारी लड़कियाँ श्वेता तिवारी और पुरुष मनोज तिवारी। शिवा भाई की मेहनत के लिए बहुत शुभकामनाएं। जरूरत थी आजकल एक से बड़ा करेक्टर एक्टर सिंगर अपने अपने शहर से बोरिया बिस्तर बांधकर किसी उम्मीद से किसी आशा से टी सीरीज के सामने आते हैं और सामने ही खड़े रहकर घंटों इंतजार करके वापस चले जाते हैं। एक जमाना था जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे तो कम से कम टी सीरीज में नए कलाकारों की एंट्री होती थी। जब से गुलशन कुमार ने सब संभाल लिया पुराने कलाकारों को निकाल रहा है वो ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में हमारे म्यूजिक की दुनिया में और जो फिल्मों बजट की फिल्में बनाते हैं ये मेरे टाइम में क्यों कम हो जाता है ये इसके सामने बहुत अच्छा कर रहा था। आपकी आवाज बुलंद है सर। हाँ जी जो बजट फिल्में बनाते हैं दिलीप जी जिनके म्यूजिक का एक नॉर्मल बजट होता है उनको ना टी सीरीज पैसा देता है ना जी म्यूजिक पैसा देता है और अगर फ्री में भी रिलीज करो तो ऐसे रिलीज करते हैं उन पे एहसान किया जा रहा है मेहरबानी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में जहाँ पर बजट फिल्में अच्छे अच्छे गाने लेकर आए एक सौ बकरे गाने होते हैं। मैं खुद पांच फिल्में पर आ चुका हूँ। मेरी फिल्मों में सोनू निगम साहब उदित नारायण साहब नीरज श्रीधर साहब शान साहब सुनिधि चौहान श्रेया घोषाल ऐसे कोई सिंगर भी जिन्होंने हमारी फिल्म में गाना लगा लेकिन म्यूजिक कंपनी ने हमेशा हमारे साथ वही किया कि भैया देखते हैं रख के जाओ देखते हैं सुनते हैं क्या करते हैं और उनका कभी भी रेवेन्यू नहीं आया कभी पैसा नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ऐसे एक मेहनती आदमी का ईमानदार आदमी का चैनल आया है जो नए कलाकारों को उनके सिंगल के लिए जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे अगर अच्छा गाना बना सकते हैं तो बराबर की आप इनको दीजिए ताकि मैं समझता हूँ कि आने वाले जमाने में इनमें से भी कोई सुनिधि चौहान बने श्रेया घोषाल बने शान बने कुमार शानू बने सब लोग बने दिलीप सेन से बने दिलीप सेन बने और जो मतलब उनको जो डिजर्व करते हैं वो सब मामला मिले इतना ही को बढ़ा दिया कि मैं एक बार चार बार सुन दे हिंदू मुस्लिम से ईसाई तो और बाकी आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा हमारा नाम है रतन नोरा डेजी म्यूजिक के बिना हम हो अधूरा और जो इसको नहीं सुनेगा वो है धतूरा और जो इसको सुनेगा उसका जीवन बन जाएगा काशी और मथुरा। अगर नहीं मिले तो तांडव हो जाएगा बिल्कुल। और सर के साथ में जब इनको सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है एक आया है सर और मैं अपनी को-होस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है इनके लिए कहना चाहता हूँ कि आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो पत्ता कहीं लहराए तो लगता है कि तुम हो। सच सच बता दो ये हसीना क्या तुम किसी भूत से कम हो। सर ऐसे है खूबसूरत तो है ये मगर यही तो इनकी अंदाज नहीं और यही कमी है कि इनका कोई अंदाज नहीं क्योंकि जब तक दिल में दर्द ना हो बात बनेगी कैसे। जब तक इस दिल में दर्द ना हो बात बनेगी कैसे। राग छाड़ते तो है ये पर प्यार की कहीं आवाज नहीं। सर आई है चार छोटे छोटे बच्चे इनके घर वाले घर पे दस्तक दे रहे थे। उन्होंने कहा तुम कौन हो बच्चे चारों बच्चों ने कहा आपके हम राज है हम राज आपने जो छुपा है हम चार हमराज है आपके। तो ये जो हमारे रोड रोमियो है इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लड़की नहीं देश का गहना है ये लड़की नहीं देश का गहना है ज्यादा उम्मीद मत करिए तुम्हारी बहन है।
लेकिन मेरा मन कर रहा था ये कहने की कौन क्या पहना है, क्या बात है, तो फिर ऐसा पहना तो मैं सहना है। बहुत प्यारे प्यारे गाने से आ रहे हैं सर, शुरुआत आपसे करते हैं दिलीप सर, किस तरीके से आप इस चैनल को बधाई देना चाहेंगे और पूरी टीम को किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि नए साल के वक्त ये नई खबर सबको सुनने मिली और नया एक लॉन्च हुआ चैनल, तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। 2024 हम लोगों के लिए खुशियां भरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि हमारे राम जी पधार रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी हमको 2024 में, और उससे बड़ी खुशी हमारे लिए ये डेजी म्यूजिक लॉन्च हुई है। शिवाजी हमारे लाडले भाई हैं और अशोक जी हमारे परम पूज्य आदरणीय भाई हैं, और बाकी जितने भी आप लोग हैं सभी हमारे आदरणीय हैं, और इस टीम से जितने भी जुड़े हैं लोग सभी प्यारे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा शिवाजी ने कि भाई समय समय पर म्यूजिक हर फील्ड में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है, तो भोजपुरी ज्यादा बदनाम हो गई थी उसके अंदर, क्योंकि भोजपुरी के गानों से नौशाद साहब की कोई भी फिल्म आप उठा के अगर देखेंगे तो उनके फिल्मों में ज्यादातर के भोजपुरी का ही अंश होता था। हम लोग जैसे राजस्थान से तो हमारे गानों में, क्योंकि हमारा जो इतिहास है हिंदुस्तानी फिल्म का म्यूजिक का वो हमारे मतलब गाँवों से देहातों से है, तो जैसे बिहार के या जो भी गाने होते हैं, तो ये अगर जो चैनल बना है ये अपनी तरीके से जो साफ सुथरे गाने लाएगा तो आने वाली पीढ़ी को ओरिजिनल भोजपुरी गानों का पता चलेगा कि हमारे जैसे एक गाना मैं हल्का सा गुनगुना के बताना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा। सर्व पे पगड़िया बांध ले, कंधव पे कुलड़िया धर ले, आगे आगे बेला चले पाछे से किसनवा खेतवा जा। तो इतने साफ सुथरे शब्द और इतने साफ सुथरी धुने, तो वो मुझे उम्मीद है कि बस वो युग आ गया है कि जैसे राम का युग आ गया तो वैसे अच्छे म्यूजिक का भी युग आ गया है, और डीजी म्यूजिक को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। नमस्कार, जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम, अयोध्या धाम, आप सबको आमंत्रण है वहां आने का, 22 तारीख को आमंत्रण है, जरूर सब लोग जाइएगा। ऐसा मोदी जी ने सबको कहा है कि भाई जैसे आ सकते आइए, शक्ति यथाशक्ति आइए, वरना घर पे देखिए, लेकिन 22 तारीख को जरूर इस दिन को दिवाली की तरह मनाइए। को मनाए दिवाली को मनाइए, मेरे ख्याल से 22 तारीख दिवाली है, दिवाली हो गई, दिवाली दिया जलाइए, दिया दिवाली की तरह होगा, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य ही है लक्षद्वीप, उनका लक्षद्वीप है, दीप भी लक्ष्य है। तो मैं कहना चाहता हूँ लक्षद्वीप चले आना, मालदीव नहीं जाना, संकेत मोदी जी का भूल न जाना, उनका प्यार न ठुकराना। क्या बात है, क्या बात है, बाकी तो कुछ समझ गए होंगे नहीं, मेरी बात का अलग मतलब मत निकालिए, मतलब लक्षद्वीप जो है हमारा दिया जाने का लक्ष्य जो है 22 तारीख को पूरा होगा, और जय श्री राम अयोध्या धाम, तो हम पता है भाई सब ने गाना ही बनाया था, तो आप सब को शुभकामना, जय श्री राम। सर गाने की बात करी जो गाना दिखा उन्होंने, इतने साफ सुथरी भोजपुरी फिल्म में पहली बार इस तरह के ट्रैक चेंज हो रहा, किस तरह का देखना चाहते हैं? देखिए शिवा भाई को मैं भाई बहुत पहले से जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये आदमी यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है, और पत्रकारिता में भी रहे कभी इन्होंने कोई बकवास नहीं की, कभी कोई चीज का गलत फायदा नहीं उठाया, स्कैंडल नहीं बनाया, जैसे आजकल पत्रकारों का रोजमर्रा का काम हो गया, पपराजी खुद ही पेमेंट लेके पहुंच जाते एयरपोर्ट, ऐसा नाटक करते जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि हीरोइन आने वाली है, तो या हीरो आने वाला जो भी है, तो ये शिवा भाई जो है इसको उनको मैं बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा आज के जमाने में ऐसे म्यूजिक लेवल की जरूरत थी, जो सोशल मीडिया के जरिए आने वाले कलाकार, पुराने कलाकार, नए कलाकार, सारे कलाकार को और अच्छे संगीत को प्रमोट कर सके, और ये काम करेंगे ऐसे मेरी पूरी आशा है। और न केवल सर शिवा सर, न केवल कॉमेडी को, सॉरी गानों को, हम कॉमेडी को भी जरा मौका दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग अभी कॉमेडी वाला ही बना रहे हैं। हाँ हाँ, एक एक कॉमेडी वाला गाना बना दिया गया ना। अच्छा, रिकॉर्ड हो गया वो आपके गाना सुना सकते हैं, सदमा दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं,
कि अब तक आपने कॉमेडी किया, कॉमेडी के साथ नाचना भी है। ठीक है, तो मुझे फिर नाचो खिलाते रहिए, नाचने की रोटी खिलाते रहिए, मैं जरूर नाचूंगा। बहरहाल ये सारी चीजें मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और इस शिवा भाई के म्यूजिक के जरिए दुनिया को देंगे नफरत से दुनिया को दुनिया से देंगे नफरत को विदाई। मैं समझता हूँ कि बहुत सही मौका है और सब आप लोग आए हैं, बधाई हो। और हमारी फिल्म गाली गलौज देखी नहीं आप लोगों ने? देख ली, बहुत अच्छा है। मेरे YouTube चैनल पे भी है, सुनील पाल ऑफिशियल पर भी जरूर देखिएगा, और मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए, सही कॉमेडी को सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वरना फालतू तो को गाली गलौज भी बढ़ाएंगे तो फिर मैं गाली दूंगा, बता रहा हूँ उसी चीज पर फिल्म है गाली गलौज। और बहुत सारी बातें और भी आने वाली है, लेकिन फिलहाल शिवा भाई और आपकी पूरी टीम को दिल से बधाई, आप सब जीव हजारों साल, यही तो दूसरी जिस तरह के 2024 में आप नया चीज लेके आए, नया टैलेंट का मौका दे रहे हैं, इस तरह खैरत कब से आपने सोचा नए लोगों के साथ किस तरह की बताए? इसके पहले भी अनूप जलोटा जी को लेकर मैंने कुछ गजल किया था, वो गजल भी ऐसे ही साफ सुथरा ही बनाया था, साथ में बिकले भी। उसके बाद तो फिर भोजपुरी जब कर रहे हैं तो भोजपुरी में मेरा दिमाग गया कि देखते हैं अभी जितने भी गाने आ रहे हैं, पहले क्या आते थे गाने पता नहीं, लेकिन अभी भी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट इंडस्ट्री में हैं, सबके गाने अब साफ सुथरा ही आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है हमने शुरुआत की, हमसे पहले भी लोगों ने शुरुआत किया, शुरुआत हो चुकी है, और लोकगीत के नाम पे लोकगीत बनाए जा रहे हैं और बहुत लोग उसको पॉपुलर कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए, मैं लेट हो चुका हूँ। नहीं आप सही वक्त, तो अभी अच्छे गाने बन रहे हैं और वहीं से हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छे गाने ही बनाए जाए, पब्लिक का सपोर्ट मिला है तो बनाना ही चाहिए। तो आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिले, बड़े बड़े स्टार स्टार कहा आए हैं, जिस तरह देखने आपको सपोर्ट में आए हैं, तो इन लोग से आप लोग किस तरह के नया और कुछ देखने को मिलेगा? अभी यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं ना, सब लोग गाने मानने वाले, क्या बात, तो फिर समझ में आ गया कि हाँ गाने में ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उसी हिसाब के गाने बना रहे हैं जिसमें स्टोरी होगी, फैमिली ड्रामा होगी और वो गाने के साथ। क्या बात, तो गाने में रील बहुत चल रहा है, रील के जमाने में तो हम गाने को रील कर भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, किस तरह से? यस यस, कल से रील बनना शुरू हो जाएगा और बहुत धमाकेदार प्लान करके रखा हमने रील का, तो रील का असर जैसे लोगों को देखने को मिल रहा है ना, इस गाने से भी देखने को मिल रहा है। शिवाजी कहाँ है? शिवाजी कुछ दो लाइन बताइए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हेलो।